तो लोगे अल्फा इन द बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन बराबर जीरो, इसका वैल्यू निकालना है। जैसे वो दो रूट दिख जाता है, ठीक है, इक्वेशन है, दो रूट दिख गया, अल्फा एंड बीटा कुछ भी रह सकता है, अल्फा बीटा ए बी कुछ भी रह सकता है, दो रूट बोल देगा तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं ना, कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, सम ऑफ मूल्यों का योग क्या होता है हमारा, माइनस पी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, दोनों का मल्टीपल क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। तो यहां से देखने की कोशिश करेंगे तो बी का वैल्यू हमारा कितना होगा, अगर इस पर फोकस करेंगे ना, इक्वेशन हमारा यही है, तो इक्वेशन ये है ना, हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। तो ए का वैल्यू कितना है, कॉफिशियंट देखेंगे ना, कॉफिशियंट ऐसे नहीं, पहले बी देख रहा है, बी देख रहे, बी हमारा क्या है यहाँ पर, इसका कॉफिशियंट, इसका कॉफिशियंट देखेंगे क्या, बी हमारा कितना दिया गया, माइनस सात दिया गया, बी का वैल्यू, क्योंकि यहाँ प्लस में लिखते हैं लोग, बी का वैल्यू कितना होगा, माइनस सात, माइनस सात यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सात बड़ा क्या होगा, ए का वैल्यू कितना, ए कितना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना माना, एक है, कितना का वैल्यू इसका, सात आ गया, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, सी बराबर कितना दिया गया, एक दिया गया, कॉन्स्टेंट पार्ट, ये हमारा क्या था, कॉन्स्टेंट पार्ट होता है, सी का वैल्यू एक दिया गया, एक बाई एक मतलब क्या होगा, एक हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सात, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना गया हमारा, वन आ गया। अब बोला गया इसका वैल्यू हमको बताना, ठीक है, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ, एक्स का पावर फोर प्लस बीटा का पावर फोर है, इसको स्क्वायर के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस क्या देगा, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, माइनस टू ए कितना हमारा, अल्फा स्क्वायर, बी हमारा कितना, बीटा स्क्वायर, ये हो गया। अब आगे फिर दिख रहा है, फिर दिख रहा है, कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, क्या दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब क्या कहा, अल्फा सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर पूरा है, सॉरी माइनस क्या जाएगा, टू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कंप्लीट, यहाँ पे देख रहे हैं इसका माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू अल्फा, इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब बस यहाँ लिखना, वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए, हमने सब कुछ लेकर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लेकर है कि सात, यहाँ सात की सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, उनचास हो जाएगा, उनचास में से क्या जाएगा, दो चला जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस क्या जाएगा, फिर दो हो जाएगा, कितना आएगा, उनचास माइनस दो कितना, सैंतालीस, सैंतालीस का स्क्वायर कितना हमारा होता है, तेईस जीरो, बाईस जीरो नौ होता है, माइनस कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, हटा देंगे बाईस जीरो नौ माइनस दो कर देंगे कितना जाएगा हमारा, बाईस जीरो सात हो जाएगा, सैंतालीस का स्क्वायर है ना, सैंतालीस सॉरी सैंतालीस है ना, सैंतालीस का स्क्वायर हम जानते हैं ना, पचास के आसपास का है, पचास के आसपास का निकालने का तरीका हम जानते हैं, क्या करते हैं हम लोग, कितना कम है, तीन कम है तो पहले तीन का स्क्वायर लिख लेते हैं, ओके, अब तीन कम था ना तो पच्चीस में क्या करते हैं, तीन घटाते हैं, पच्चीस में तीन घटा देंगे क्या जाएगा, बाईस हो जाएगा, सैंतालीस का स्क्वायर निकालने का तरीका है।